D1 D2 D3 सर डी सर टू का D2 का सेकेंड एंड सिक्स ओके D2 में ये 2, 4, 6 है क्या रिधि? यस सर ठीक है तो पहले सेकेंड देख लो। ठीक है सबसे पहले सेकेंड ये साइन ऑफ कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। जीरो ठीक है अंडर रूट डिफाइन होना है तो एक ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब हम साइन का ग्राफ देखते हैं। साइन का ग्राफ ये आता है तो कौन से इंटरवल में साइन पॉजिटिव रहता है ये बताओ। ये वाला इंटरवल 0 to π, फिर ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल है ना, इसमें साइन पॉजिटिव रहता है। तो ये देख लो 0 to π, 2π टू आगे 3π, ये आ जाएगा यहाँ पे -2π टू -π। ये इंटरवल्स है जिसमें साइन पॉजिटिव रहता है तो कॉस को उसके बीच में लाई करना पड़ेगा। मतलब ये साइन के अंदर की जो क्वांटिटी है ये, इसको थोड़ी देर के लिए हम टी ले लेते हैं, उस टी को कहाँ लाई करना पड़ेगा? 0 to π, 2π टू 3π, -2π टू -π, है ना, ऐसे ही आगे चलता जाएगा, इधर माइनस इंफिनिटी चलता जाएगा। तो कुछ इंटरवल्स हम लिख लेते हैं जैसे ये -2π टू -π, फिर उसके बाद t क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 to π, और t आगे 2π टू 3π, ऐसे पढ़ता चला जाएगा इधर। लेकिन t है क्या हमारा? cos x है तो cos x -2π टू -π, फिर उसके बाद यहाँ पे cos x 0 to π, यहाँ पे कॉस एक्स 2π टू 3π। लेकिन ये बताओ कॉस की रेंज क्या होती है? -1 to 1। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या, या इससे कम वाले इंटरवल्स, इससे छोटे बताओ? -2π टू पाई के बीच में नहीं कॉस की वैल्यू आ ही नहीं सकती है, और इससे छोटे में तो वो और मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो ये गया, फिर उसके बाद ये और इसके आगे वाले इंटरवल्स, उसके बीच में कॉस आ सकता है क्या? नो नहीं। तो कॉस किसके बीच में आ सकता है? इसी के बीच में पॉसिबल है, भले ही 0 to π नहीं, लेकिन 0 to 1 तो आ सकता है ना। ठीक है तो एक तरीके से देखा जाए अब हमें कॉस कैसा चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कॉस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए तो उसके लिए इंटरवल्स देख लो। ये कॉस का ग्राफ है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल, इसमें कॉस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। तो ये इंटरवल्स है तो किसी एक इंटरवल का आंसर लिख लेंगे और उसमें कितना ऐड कर देंगे, 2n π। तो ये देख लो ये -π/2, ये π/2, तो x किसके बीच में आएगा? -π/2 टू π/2, और लेकिन वो हर 2π के बाद रिपीट करेगा तो 2n π, 2n π प्लस। क्लियर है? सर एक बार लास्ट पेज सेकेंड के बाद इसमें और कौन सा है? सिक्स्थ। सेकेंड के बाद हाँ सिक्स्थ एक है, फोर्थ भी है, ठीक है हाँ 8, 7 देख लेते हैं। फोर्थ, ये फोर्थ तो आसान है ना। अब फोर्थ क्यों पूछा प्रीति तुमने? कौन बताएगा फोर्थ का डोमेन?
रियल रियल नंबर्स, ये कहीं पे नॉट डिफाइन होता है क्या? ये एक तरीके से एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स वाला फॉर्म है ना, तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो है ई तो पॉजिटिव है, और जी ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए? रियल वैल्यू लेना चाहिए, तो जी ऑफ एक्स कब रियल होगा? जब एक सारे एक्स के लिए वो रियल ही होगा, ठीक है? क्लियर है अभी? है yes, sir. वो कहीं पे नॉट डिफाइन नहीं होता है जी ऑफ एक्स। उसके बाद कौन सा है सेवन, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, सिक्स्थ भी किसका है? समीक्षा का है सिक्स्थ, प्रीति का भी है, तो देख लो पहले सिक्स्थ, उसके बाद सेवन के ऊपर आते हैं। सिक्स्थ में, सिक्स्थ तो आसान था, सबसे पहले तो अंडर रूट को डिफाइन करना है, या तो पहले चलो लॉग को, इंडिविजुअल लॉग को डिफाइन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट log x माइनस टू बेस टू अपॉन log बेस वन बाय टू, और अंदर की क्वांटिटी क्या है 3x माइनस वन, तो ये वाला log डिफाइन होना है, तो x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, तो x ग्रेटर देन टू। अब ये वाला log डिफाइन होना है, तो ये 3x माइनस वन वन हो सकता है क्या? बताओ, ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, और 3x माइनस 1 1 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब ये 1 हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं सकता है, तो इसकी वजह से x नॉट इक्वल टू 2y3 आल्सो। तो ये हमने डिफाइन कर लिया लॉग को, अब अंडर रूट को डिफाइन करना है। अंडर रूट को जब डिफाइन करने जाएंगे तो ये लॉग x माइनस 2 बेस 2 अपॉन, इसका बेस हम 2 कर सकते हैं क्या? इसका बेस 2 बना सकते हैं? यस सर, बना सकते हैं। माइनस बाहर आ जाएगा, log बेस 2, ये 3x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज, ठीक है? अब ये देख लो, रिवर्स बेस चेंजिंग थ्योरम से हम इसको एक सिंगल log बना सकते हैं, और ये 3x माइनस 1 उसके बेस में चला जाएगा। क्लियर है? रिवर्स बेस चेंजिंग थ्योरम याद आ रही है? हाँ सर। तो ये बना सकते हैं। अब ये क्या बन गया, वेरिएबल बेस के इनइक्वालिटीज बन गई लॉग में, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अब यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, ताकि फिर वो जो केसेस है वो बहुत आसानी से बन जाएंगे। इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आता है बताओ, इन दोनों का इंटरसेक्शन, फिर उसी से हम आगे केसेस बनाने वाले इसके लिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? टू टू इन्फिनिटी x बिलोंग टू 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 इन्फिनिटी। और ये बताओ, टू टू इन्फिनिटी के लिए बेस कैसा है, वन से बड़ा है या छोटा है? क्योंकि इसी से तो हम आगे केसेस बनाएंगे, बेस वन से बड़ा, बेस वन से छोटा, तो टू टू इन्फिनिटी के लिए तो बेस वन से बड़ा है, तो बेस वन से बड़ा है तो लॉग जब हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या? नहीं, फॉर एक्स बिलोंग्स टू 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 इन्फिनिटी, थ्री एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन वन, इज ग्रेटर देन यूनिटी, ऐसे लिख लेना यहाँ पे, ग्रेटर देन वन, तो इसकी वजह से इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। और यहाँ पे देख लो, एक्स लेस देन और इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है? और एक्स कितना था, 2 से बड़ा होना चाहिए था, ये तो मस्ट है, और ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद आ रहा है 3 से छोटा, फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन, तो x बिलोंग्स टू ओपन 2 टू क्लोज 3। क्लियर? अबे आता है ना पाई, कहां से दिख रहा है ना क्लियरली 2 टू 3। क्लियर है क्या ये बताओ? यस सर, यस सर। सर हाँ, यहाँ पे वो 3x माइनस 1 वाला बेस आया था, तो
हम ऐसे केसेस भी बना सकते हैं ना कि वो जब वन से बड़ा होगा तब और वन से छोटा होगा तब. अब वो केसेस बना के फाइनली इसके साथ इंटरसेक्शन ही लेना है, आंसर तो वही आना है. तो हम यही करते थे ना कि स्टेप्स बचाने के लिए पहले लॉग को डिफाइन करके उसका इंटरसेक्शन लेते थे और फिर उससे के आगे केसेस बनाते थे जो वो एक्स आ रहा है तो उसी में से कौन से एक्स के लिए वो वन से बड़ा और कौन से एक्स के लिए वन से छोटा है. तो इन सारे एक्स के लिए ये वन से बड़ा आता है तो सॉल्व कर लिया इसको. ठीक है ठीक है. नेक्स्ट अब कौन सा है, सेवन. सेवेंथ में अच्छा चलो हटाओ सेवेंथ, अभी अपना जीआईएफ हुआ नहीं है वो बाद में करेंगे हम. ठीक है सेवेंथ बाद में. और एट, एट तो मेरे ख्याल से आप बन जाना चाहिए. एट में ऐसा कुछ था नहीं. किसका डाउट है चैतन्य, रुको देखो यहाँ पे. एट के लिए क्या होना चाहिए, पहले ऊपर वाला अंडर रूट डिफाइन तो कॉस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन बाई टू और फिर नीचे वाला डिफाइन होना चाहिए. तो उसमें क्या आ जाएगा, सिक्स प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो. इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है. तो 6x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 6 लेस देन जीरो. ठीक है ये आ जाएगा तो उसके बाद हमें x मिल जाएगा. और वो जो x मिलेगा इस तरीके का हमने क्वेश्चन किया है. देखो एक अंडर रूट में साइन का था, एक में 4 माइनस एक्स स्क्वायर था. याद आया, अब पहले कॉस का ग्राफ बना लेंगे. 1/2 वो 1/2 से बड़ा कब होता है वो देख लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से जो x आएगा ये मेरे ख्याल से कितना आता है, 6x प्लस 1 एन एक्स माइनस 6 लेस देन 0. तो x बिलोंग्स टू कितना आ रहा है, माइनस 1/6 टू 6. तो इसी x के लिए देखना है बस, माइनस 1/6 टू 6 में cos का ऐसा कौन सा रीजन है जिसके लिए वो 1/2 से बड़ा आता है. ठीक है फिर उसके बाद D3 D3 में बताओ जल्दी. वन एट और सेवन एट और थ्री एट. अच्छा D3 में 8 बोल रहे हो तुम. ठीक है और कोई डाउट नहीं है. ठीक है पहले फर्स्ट फर्स्ट देख लो. फर्स्ट में अंडर रूट को डिफाइन करना है तो 3 माइनस 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 1 माइनस x. दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. मैं जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 3 माइनस 2 की पावर x की जगह पे थोड़ी देर के लिए t पुट कर लेते हैं या तो चलो हटाओ एलसीएम पहले ले लेते हैं. तो ये 3 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 2x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अपॉन 2 की पावर x. अब ये 2 की पावर x कैसा होता है नंबर, हमेशा ग्रेटर देन 0. तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या? ऑलवेज पॉजिटिव. तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी और थोड़ी देर के लिए 2 की पावर x की जगह पे t. पहले तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं, हमेशा पॉजिटिव है. अब 2 की पावर x की जगह पे t तो ये 3t माइनस t स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0. तो t माइनस 1 t माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0. तो यहां से t 1 टू 2 के बीच में. तो 2 की पावर x आ रहा है 1 टू 2 के बीच में.
तो 2 की पावर x किसके बीच में, 2 की पावर 0 टू 2 की पावर 2, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, बेस 2 का, बेस 2 का लॉग लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या? तो यहां से x कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन, ये 1 है सॉरी, लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये x आ जाएगा, क्लियर है? यस सर। सेकेंड, अब सेकेंड में दो अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, तो दोनों को डिफाइन करना है, तो सबसे पहले सबसे अंदर वाला अंडर रूट हम डिफाइन करते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स, तो x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 1, ठीक है, फिर उसके बाद आगे, अब ये बाहर वाला अंडर रूट डिफाइन करेंगे, तो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 से छोटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे 1 1 गया, माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहां से तो हमें x क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि जब इसका क्रिटिकल पॉइंट 0, तो इसको इंक्लूड करना है, प्लस प्लस साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि पावर इवन है और पूरा चाहिए था, तो x बिलोंग्स टू r, फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि ये अंडर रूट भी डिफाइन होना था और बाहर वाला भी, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 1 टू 1, क्लियर है? वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? नो सर, क्लियर है सर। यूश, मैं भी तुम्हारे इधर से ही कोई प्रॉब्लम हो सकता है, एक बार देख लो उसको। फिर उसके बाद कौन सा था डाउट, थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, सेवेंथ, सेवेंथ देख लो समीक्षा। सेवेंथ में सबसे पहले लॉग को डिफाइन कर लेते हैं हम, लॉग को डिफाइन करेंगे तो उसमें 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन 0, अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आने चाहिए, जो भी लीनियर फैक्टर्स बनते हैं उसमें, तो पहले हम डील कर लेंगे, तो लेस देन 0, यहाँ पे ये x माइनस 5 इंटू x, ये 4 भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक। अब यहां से जब हम x सॉल्व करेंगे तो यह आ जाता है 0 टू 5, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं अंडर रूट के ऊपर, अंडर रूट डिफाइन होना चाहिए, तो लॉग बेस 1 बाय 4 अपॉन 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो जब लॉग हटेगा, ये बेस 1 से छोटा है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू 1 बाय 4 की पावर में 1 0, तो ये तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 लेस देन और इक्वल टू 1, वो 1 उधर चला जाएगा, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, अब पूरे x को उधर लेके चले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अब यहां से जब हम x सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 क्लोज यूनियन 4 टू इंफिनिटी, फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन क्या दे देगा, x 0 ओपन टू 1 क्लोज यूनियन 4 क्लोज टू 5 ओपन, ठीक है। फिर उसके बाद 8 तो देख लो किसका है, अब लॉग के अंदर लॉग है, तो सबसे पहले बाहर वाले लॉग से हम शुरुआत करते हैं, एक कहां गई ये स्क्रीन, ठीक है, सबसे पहले बाहर वाले लॉग से शुरुआत, तो वो क्या था, लॉग के अंदर में 1 माइनस था, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो देख लो 1 माइनस लॉग
बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 शुड बी ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पे लॉग बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 लेस देन 1, बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी लॉग हटने पे, लेस देन 10 की पावर में 1 तो 10, तो x square minus 5x plus 6 less than 0, तो यहां से x belongs to 2 to 3 आ जाएगा. ये हो गया बाहर वाला log define. अब अंदर वाला log define करेंगे, तो अंदर वाला log define करेंगे तो उसके अंदर की क्वान्टिटी ये पॉजिटिव होनी चाहिए. अब इसमें देख लो x square का coefficient 1, ये पॉजिटिव है और इसका d नेगेटिव आता है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसकी वजह से x belongs to r आ जाएगा. सारे x के लिए ये पॉजिटिव आएगा. फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन x belongs to 2 to 3, ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा. क्लियर है? कोई डाउट सेवेंथ में? अब पार्ट वन के डी सेक्शन में कोई डाउट रह गया किसी का डोमेन वाले क्वेश्चंस का? ठीक है, पार्ट टू सेक्शन डी. पार्ट टू सेक्शन डी, हाँ दो ही क्वेश्चन है उसमें. तो डी वन सर उसमें भी एक क्लास में किए. क्या किए सर? उसमें भी एक क्वेश्चन आपने क्लास में दिया था. अच्छा, ये रेंज शुरू हो गया ना तुरंत ही फिर. अच्छा, पहला ही डाउट है समीक्षा. हाँ, रेंज का नहीं करना था अभी. तो पहले में तो देख लो क्या करना है. सबसे पहले ये ऊपर वाला अंडर रूट माइनस लॉग एक्स माइनस वन, ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या करना है, तुम कर लेना बाद में, ठीक है? फिर उसके बाद ये लॉग डिफाइन होना चाहिए तो एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो. एंड थर्ड, वो अंडर रूट भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एट शुड बी ग्रेटर देन जीरो. तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. और फिर इसके बाद ये सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व कर लेना. फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन तीनों का, वैसे एक एक्स बिलोंग्स टू आर है तो कोई रोल नहीं प्ले करेगा, ठीक है. चलो इतना ही था. और कुछ दिया था क्या होमवर्क में? नो सर. और तुम कल अब्सेंट क्यों थे? सर लेट उठा मैं. लेट उठा मतलब फिक्स रहता है मेरे ख्याल से, बस सेकेंड जो क्लास होती है उसमें ज्यादा बच्चे रहते हैं, पहले क्लास में कम रहते हैं और लास्ट वाले में भी कम रहते हैं. पहले क्लास में कम रहने वाले अलग है बच्चे वो, और लास्ट में कम रहने वाले अलग है. जो पहली दो क्लासेस कर लेते मेरे ख्याल से वो थर्ड में नहीं रहते, और जो लेट उठते वो फर्स्ट में नहीं रहते, है कि नहीं? क्या बच्चे हो रहे तुम भी. अच्छा तुम तीनों करते हो, कुछ बच्चे बोल रहा हूँ, सबके लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, अपने दिल पे ले जाता है पीयूष तू तो, ठीक है. अच्छी बात है, तेरे को इसका फल मिलेगा. तू तीनों कर रहा है और उसके साथ साथ अगर होमवर्क भी टाइम टू टाइम करेगा, रेगुलरिटी मतलब करेगा, तो बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट मिलेगा. लेकिन हाँ, सिर्फ क्लास कर रहे हो बाकी मजे में हो तो नहीं मिलेगा रिजल्ट. होमवर्क भी कर रहा है ना पीयूष? हाँ, फिर तो क्या है, मिल जाएगा, उसमें क्या, आसानी से निकल जाएगा अपना मेंस. एडवांस के लिए थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. और
बताने से पहले ही मॉड्यूल कंप्लीट कर देते हैं हम। ओहो, कुछ भी, यहाँ पे तो बताने के बाद आधे से ज्यादा बच्चों ने नहीं किया है कि नहीं? सही हो ना मैं? कौन कौन है सर? ये समर्थ है, समर्थ बताने से पहले ही कर लेता है। ठीक है, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें हम मेथड जो हमने तीन देखे हैं बिना उसके यूज के डायरेक्टली बहुत इजीली रेंज निकालने वाले हैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस की, हर एक की नहीं, पर्टिकुलर क्वेश्चंस की। हाँ, वही खाली फोकट फॉर्म मार रहा है, तू भी तो मारता रहता है हर्षवर्धन। ठीक है, लिखो रेंज, बढ़ते आगे। उसमें फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। ठीक है, पहले वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री। तो चलो देखो, यहाँ पे तीनों क्वेश्चन में बता देता हूँ, उसके बाद वाले तुम्हें करने हैं। तो पहले तो इसकी रेंज तो बहुत आसान है, ग्राफ से हम कर लेंगे। इसका पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसका जब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ आ जाता है। मेरे ख्याल से ग्राफ की प्रैक्टिस तुम लोगों ने कर ली होगी शायद। तो इसका ये जो है ये वन कॉमा, इसके जगह पे वन, तो ये कितना आ जाता है? टू। ठीक है, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं एक्स के ऊपर, तो पूरा ग्राफ मिलने वाला है। पूरा ग्राफ मिलेगा तो इसकी जो रेंज है पहले वाले की, वाई बिलोंग्स टू क्लोज टू टू इंफिनिटी। ठीक है, क्लोज टू टू इंफिनिटी, ये हो गया। अब उसके बाद हमें अगर दूसरे की रेंज निकालनी है, दूसरे की रेंज निकालनी है, तो इसमें पहले हमें ये जो एलएन के अंदर में ये आ रहा है ना, तो अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालना जरूरी है, और फिर उसके बाद हम एलएन का ग्राफ देखेंगे। तो अंदर वाले की रेंज तो निकल चुकी है, और एलएन का ग्राफ ये आता है, और एलएन के अंदर की क्वांटिटी कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है? एलएन के अंदर की क्वांटिटी कहाँ से कहाँ जा रही है? क्लोज टू टू इन्फिनिटी। टू क्लोज टू टू इन्फिनिटी। तो ये बताओ एलएन की वैल्यू टू पे कितनी आती है? एलएन टू, और आगे बढ़ते बढ़ते वो कहां तक जाएगी? एलएन के अंदर की क्वांटिटी, पहले मैं बता, पहले हमने क्या किया, अंदर वाले की रेंज निकाली, वो टू टू इन्फिनिटी आ गई। अब एलएन के ग्राफ में हम देखेंगे जब उसके अंदर की क्वांटिटी टू टू इन्फिनिटी जाती है तब रेंज क्या आएगी। तो एलएन के अंदर की क्वांटिटी जब टू टू इंफिनिटी, तो ये ग्राफ मिलेगा एलएन का, तो रेंज देख लो कहां से कहां वैरी करने वाली है, ये एलएन टू टू इंफिनिटी। तो सेकेंड का जो आंसर है वो कितना है? एलएन टू टू इंफिनिटी। क्लियर है क्या, बताओ ये सेकेंड का? सेकेंड क्लियर है? यस सर। तो स्टेप्स क्लियर है कैसे अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चंस को? सबसे यस पहले सर। अंदर वाले की रेंज निकालो, और फिर उसके बाद उसके हेल्प से देख लेना वो अंदर वाली वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी कर रही है, और बाहर वाले फंक्शन का ग्राफ देख लेना उस रीजन में। तो एलएन का ग्राफ टू टू इन्फिनिटी में ये आता है, तो इसमें उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी करेगी? एलएन टू टू इन्फिनिटी, हो गया, ये इसकी रेंज है। फिर उसके बाद ऐसे ही साइन का ग्राफ,
साइन का ग्राफ हम देखेंगे, उसके अंदर की क्वांटिटी टू टू इंफिनिटी, तो रेंज क्या आती है बताओ? ये साइन का ग्राफ है, एक्स वेरी कर रहा है टू टू इंफिनिटी, टू यहां पे आता है, टू से आगे वाला ग्राफ हमें मिलेगा, पूरा ग्राफ मिलेगा। तो इसमें साइन की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है सर? माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन। ये देखो सबसे नीचे जो पॉइंट है माइनस वन, वो हमें मिल रहा है, वन भी हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे रेंज क्या आ जाएगी? माइनस वन टू वन। क्लियर है तीनों पार्ट? तो लिख लो इसको। हो गया सभी लोगों का? नहीं सर। जल्दी करो फिर। हो गया। के बाद अगला है फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। पहला है y इज इक्वल टू ln x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सोहम को क्या हुआ है? किशोर, चैतन्य, पता नहीं सर। पता नहीं क्या? ये किशोर को पता है क्या सर? हम नहीं पहचानते उसे। सोहम घेगड़े। अच्छा तुम्हारे साथ वाला कौन है फिर? निखिल, निखिल था सर। अच्छा निखिल है ना इसमें? कहाँ है निखिल? भी नहीं है। पहले क्लासेस किए क्या उसने आज की? यस सर। शादी में गया? वो कौन सी शादी में जा रहे हो ऐसे वक्त में?
सर जाना तो नहीं होता, पर पेरेंट्स बहुत फोर्स करते हैं। फोर्स करते हैं, देखो बैठे रहो चुपचाप घर पे, पढ़ाई करो। सर इस टाइम में नहीं फोर्स करते, पर इस कोविड हाँ के टाइम। वही तो, हाँ नहीं समृद्धि गलत है पहले का, पहला देख लो। चलो यहाँ पे गलत गलत आंसर दे रहे हो तुम, अंदर वाले सर की पहले रेंज का बताओ। एल पहले इन टू टू इन्फिनिटी है ना, अंदर वाले की रेंज बताओ, -1/4 टू इन्फिनिटी। ठीक है? इसकी जब तुम रेंज निकालोगे, अब ये बार बार ग्राफ वगैरह बनाना तुम देख लेना, ये -1/4 टू इन्फिनिटी आती है। अब ये बताओ, लेकिन माइनस निगेटिव वाली वैल्यू एलएन के अंदर जा सकती है क्या? ये बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एल एन के अंदर है ना, तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू निगेटिव वैल्यू एल एन के अंदर लेके जा सकता है क्या? नहीं है ना, तो इसमें से वो कौन सी वैल्यू लेके उसके अंदर जाएगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इतनी वैल्यूज ले सकता है, वो निगेटिव वैल्यू लेके अंदर एल एन के अंदर तो जा नहीं सकता है, तो कौन सी वैल्यूज लेके जाएगा? टू टू इन्फिनिटी। अबे 0 to infinity वाली ना, हाँ सर। है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन में देखो, अब वरना क्या करना होता है, ये शॉर्टकट कर रहे हैं हम। अगर मेथड वाइज जाना होता है तो पहले इसका हमें डोमेन निकालना पड़ेगा, डोमेन निकालना पड़ेगा तो उसके अकॉर्डिंगली हमें एक्स मिलेगा, उस डोमेन में हमें फिर बाद में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू की रेंज देखनी पड़ेगी, तो वो 0 to infinity आती है, फिर उसके लिए वो एल एन का हमें देखना पड़ेगा। तो इन सब से बचना है तो डायरेक्टली डोमेन वगैरह की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली अंदर वाले की रेंज निकालो। -1/4 टू इन्फिनिटी आ रही है, हमें बताया अब एलएन के अंदर में निगेटिव क्वांटिटी जा नहीं सकती है, तो वो निगेटिव वाला पार्ट उसमें से हटा दो। ठीक, निगेटिव वाला पार्ट हमने इसमें से हटा दिया, तो ये क्या वैल्यू लेके अंदर जा रहा है? 0 to infinity, 0 to infinity वैल्यू लेके अंदर जाएगा ना, तो एलएन का ग्राफ हमें देखना है। यहाँ पे लिख लेना रीजन कैन नॉट टेक निगेटिव वैल्यूज, देयरफॉर ये कौन सी वैल्यू लेके जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू शुड नॉट बी निगेटिव। देयरफॉर ये वाई बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा? 0 to infinity, इसका वाई ये आ जाएगा। अब एलएन का ग्राफ देखेंगे हम इसके लिए, जब उसके अंदर की क्वांटिटी कहां से कहां वैरी कर रही है? 0 to infinity, तो 0 to infinity जब उसके अंदर की क्वांटिटी वैरी करती है तो हमें पूरा ग्राफ मिलेगा एलएन का, एलएन का पूरा ग्राफ मिलेगा, तो उसकी रेंज। ठीक है, या तो ऐसे लिखो तुम यहाँ पे ये वाई की जगह पे ये, क्लियर है क्या? बताओ ये क्लियर है? इसी के जैसा एक y इज इक्वल टू एल एन प्लस इसमें किसी को कोई डाउट? पहला वाला नो सर। तरीका देख लो, ये क्या है, शॉर्टकट है, इसमें फिर हम कम स्टेप में आंसर ला सकते हैं। ठीक है, वरना फिर वो तरीके से जाते हैं अगर प्रॉपर वे से एकदम,
तो फिर तो और एक पेज भर जाता, ऐसा होता। तो इसमें क्या है, सबसे पहले निकाल लो, बिना डोमेन निकाले अंदर वाले की रेंज निकाल लो, वो अपने आप हमें पता चल जाएगा कि ये एलएन, जैसे यहाँ पे हमने उसकी बात ही नहीं की थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि एलएन के अंदर की क्वांटिटी 2 to infinity आ रही, तो एलएन तो डिफाइन रहेगा ही, तो वो सारी वैल्यूज को अपने अंदर आने देगा। लेकिन यहाँ पे एलएन निगेटिव वैल्यूज को अपने अंदर नहीं आने देगा, तो वो निगेटिव वैल्यूज हमें हटानी पड़ेगी और बाकी बची हुई वैल्यूज को वो अपने अंदर आने देगा। तो ये x²-3x+2 कौन सी वैल्यू लेगा, 0 to infinity, और ये 0 to infinity वैल्यू एलएन के अंदर आ रही है, तो उसका ग्राफ देखेंगे हम 0 to infinity के लिए, तो वहां से उसकी रेंज y बिलोंग्स टू r। हाँ सही है प्रीति, फिफ्थ का। सेकेंड का आंसर बहुत आसान है, -√2 to √2 सेकेंड का आंसर देखा हुआ हमने, ये तो सेकेंड का जो आंसर है y belongs to ये -√2 to √2 डायरेक्टली, √a² + b² to √ माइनस टाइम्स ऑफ √a² + b² to √a² + b² थर्ड का बताओ। अब ये साइन के अंदर की क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी कौन सी वैल्यूज ले रही है, -√2 to √2। तो साइन का ग्राफ हमें -√2 to √2 के बीच में देखना है बस, साइन का ग्राफ हमें -√2 to √2 के बीच में देखना है। और ये जब -√2 to √2 आता है तो साइन नॉट डिफाइन होता है क्या? नहीं होता है। तो इसमें वो सब चीजें सोचने की जरूरत नहीं कि ये कौन सी वैल्यू इसमें से हटानी पड़ेगी हमें, जैसे यहाँ पे सोचना पड़ा इसकी वैल्यू -1/4 to infinity, लेकिन ln के अंदर में निगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो हमें निगेटिव वाला पार्ट हटा के इसकी कौन सी वैल्यू लेनी पड़ी, 0 to infinity, और फिर ln का ग्राफ हमने उसके लिए देखा। लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं, यहाँ पे अब ये साइन -√2 to √2 के ये आ रहा है, इस साइन के अंदर की क्वांटिटी -√2 to √2, तो साइन का ग्राफ हमें उसके लिए देखना है। रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, 1.4 समथिंग। अब वो पाई बाय 2 से छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा? छोटा। और यहाँ पे -π/2, तो -√2 उससे बड़ा रहेगा। तो ये ग्राफ हमें मिलने वाला है जब साइन के अंदर की क्वांटिटी वैरी करेगी। तो रेंज बताओ तो इसकी क्या आ रही है, -√2 to -√2 है कि नहीं? ये ग्राफ मिल रहे वाला है ना पूरा, ये पोर्शन ये वाला, तो पूरा पोर्शन ये वाला मिलेगा। तो इसमें दिख रहा है हमें वाई की वैल्यू कहां से कहां वैरी कर रही है, तो -√2 to -√2। क्लियर है? थर्ड में किसी को कोई डाउट? फिर ऐसे ही अगला बताओ, सॉरी फोर्थ। हाँ फोर्थ में पहले तो ये बताइए, 3 sin x + 4 cos x किसके बीच में वैरी करेगा? -5 to 5। ठीक है, अब हमें साइन का ग्राफ देखना है -5 to 5 के बीच में, क्योंकि उसके अंदर की क्वांटिटी उतनी वैरी कर रही है। तो साइन का ग्राफ -5 to 5 के लिए देखेंगे, तो 5 कहां पे आता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो 5 बेसिकली यहाँ पे आएगा, ये -2π है, ये -π है, तो 5 यहाँ पे आता है, ये 2π है, तो 5 यहाँ पे आएगा। तो हमें एक तरीके से ये -5 और ये 5, ये वाला ग्राफ मिलने वाला है -5 to 5 के बीच वाला। तो इसमें बताओ तुम लोग कहाँ से कहाँ वैरी कर रही है साइन की वैल्यू, -1 to 1, क्योंकि देख लो ये सबसे नीचे ये पॉइंट है, तो वैल्यू -1 मिल रही है, उसके बीच वाली सारी मिल रही है, सबसे ऊपर में ये पॉइंट, तो वैल्यू 1 भी मिल रही है, तो -1 to 1, तो ये उसकी रेंज। ठीक
ठीक है, क्लियर है ये फोर्थ वाला? सर फिफ्थ क्या है? फिफ्थ का क्या आ रहा है बताओ? लास्ट क्वेश्चन ये लाइन के एलएन के अंदर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है एलएन के अंदर, माइनस इनफिनिटी टू एल एन रूट टू। हाँ सही है, माइनस इनफिनिटी टू एल एन रूट टू। कितने लोगों का आ रहा है ये? तो एल एन के अंदर में वो जो क्वांटिटी है वो उसकी रेंज क्या है? माइनस रूट टू टू रूट टू। लेकिन वो निगेटिव वैल्यू लेके एल एन के अंदर में जा सकता है क्यों? No. नहीं जा सकता है। तो वो कौन सी वैल्यू लेके एल एन के अंदर में जाएगा? जीरो टू रूट टू, फिफ्थ वाला। यहाँ पे y इज इक्वल टू है एल एन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या वैल्यू लेगा? तो माइनस रूट टू टू रूट टू के बीच में। बट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स शुड नॉट बी जीरो। देयरफॉर ये कौन सी वैल्यू लेगा अब? जीरो नहीं होना, शुड नॉट बी नेगेटिव। cos x ये वैल्यू लेगा जीरो टू रूट टू। अब इसका ग्राफ हमें देखना है, ln का ग्राफ जीरो टू रूट टू में। तो जीरो पे तो यह आ जाएगा और रूट टू पे उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ln रूट टू। तो ये देख लो कहां से कहां वैरी कर रहा है y, माइनस इंफिनिटी टू ln रूट टू। क्लियर है क्या बताओ ये? ऐसे क्वेश्चन में आप कोई दिक्कत बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस? इसमें हम मेथड से कहाँ जा रहे हैं? हमें बस क्या है, अंदर वाले फंक्शन की रेंज फिर उसके अकॉर्डिंगली देख रहे हैं बाहर वाला फंक्शन, और या तो उसका ग्राफ देख रहे हैं और रेंज निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है। क्लियर है ये? हो जाए तो बता देना, आगे और क्वेश्चन देता हूँ मैं। हो गया सर। हो गया।
फोर्थ देख लो, फोर्थ मतलब लिखना है या समझना है। हाँ देखो, अरे नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है क्या भाई? दो तीन लोग बार बार आ रहे जा रहे। ये रितेश हो गया, यज्ञेश, ये अंकित भी बीच में गया था। ओके एयरटेल का प्रॉब्लम आ रहा है। एयरटेल तो सही से चलता है, अब पता नहीं नासिक में आ रहा होगा। हाँ सर आ रहा है। वीआई सही चलता है लेकिन अभी दुकानें भी बंद है ना उसकी। दिखाता है हाँ, इस वक्त मैं भी जब लेता था क्लास सिक्स तो आ जाता था दोपहर के वक्त नासिक में। वीआई लेकिन सही चलता है शायद नासिक में। मैं अभी वहां पे नहीं हूँ नासिक में, घर पे आया था उस चक्कर में, घर पे ही हूँ अभी, वहां पे आ ही नहीं पा रहा हूँ। आऊंगा मैं। तुम्हारे यहाँ पे फुल रहती है सही, अब एरिया वाइज हो सकता है। ठीक है, कोशिश करो कि नेटवर्क इशू ना आए, वैसे वो तुम्हारे हाथ में भी थोड़ी है। हो गया सर। ठीक है लिखो फिर नेक्स्ट। फाइंड द रेंज ऑफ हाँ सही है। पहले का तो सभी लोगों का आ जाना चाहिए, दूसरे का बताओ। किसका है 0 to 9 प्रीति? सेकंड का जरा सोचो तो सही। 0 to 3 0 to 3 है, अंडर रूट लेना है ना। ये देखो ये कहा था -∞ to -1 union 1 to ∞, ये किसका दे रहा है तू आंसर? हर्षवर्धन थर्ड का। थोड़ा सोच समझ के भी बोला करो, वो अंडर रूट है, अंडर रूट निगेटिव हो सकता है क्या?
अरे गधे, ये इसकी थर्ड की रेंज डोमेन। अबे डोमेन कौन पूछ रहा है तेरे से, रेंज चाहिए। नहीं रूही, अंडर रूट लेना है ना, 9 का अंडर रूट क्या आएगा। चलो देखो यहाँ पे पहले का कितने लोगों का आ गया, मेरे ख्याल से वो सभी का आना चाहिए। अब कोई ऐसा है जिसका नहीं आया है? पहले का देख लो, पहले तो हम इसकी रेंज निकालते हैं। 3 sin x +4 cos x, तो इसकी रेंज जो आती है माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर। ये हमने देखा हुआ है ना, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसकी जो रेंज होती है माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो वहां से इसकी जो रेंज है ये 3 sin x प्लस ये आ जाती है अंडर रूट 9 प्लस 16, तो वो -5 हो जाएगा और ये यहाँ पे 5। अब उसमें हम 4 ऐड कर देंगे, तो हर जगह 4 ऐड कर देंगे, तो ये -1 और ये 9 हो जाएगा। तो पहले वाले का ये आंसर है, y बिलोंग्स टू, ये हटा देता अभी, y बिलोंग्स टू आ जाएगा -1 to 9। लेकिन अब सेकंड की जब बात करेंगे, सेकंड में भी अंडर रूट के अंदर में यही फंक्शन है, इसकी जो रेंज आती है अंदर वाले की -1 to 9, लेकिन क्या ये निगेटिव वैल्यू ले सकता है क्या? नो नहीं। तो इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू लेके अंडर रूट के अंदर में जाएगा? जीरो टू नाइन 0 to 9 लेके जाएगा, और उसका अंडर रूट कितना आ जाएगा? जीरो टू थ्री जीरो जीरो टू टू थ्री थ्री बट दिस शुड बी पॉजिटिव। देयरफॉर ये जो है 3 sin x +4 cos x +4 बिलोंग्स टू कितना आना चाहिए? क्लोज 0 to क्लोज 9। अब इसका अंडर रूट लेना है, तो उसका अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट 0 to 3, therefore y belongs to close 0 to 3 close। ठीक है, प्रीवियस पेज देख लो दर्शना, प्रीवियस पेज। सर थर्ड का 0 to 2 by √3। चलो देखते हैं, पहले ये हो गया क्या बताओ, उसके ऊपर भी आते हैं। ठीक यस सर। है, तो सबसे पहले उसमें हमें शुरुआत करनी है यहां से, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स की रेंज से। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स की जब तुम रेंज निकालोगे, उसका ग्राफ ये आता है, ये 1/2 माइनस माइनस वन वन बाय बाय फोर फोर ये पूरा आ जाएगा। तो इसकी जो रेंज आती है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, कैसा होगा? इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/4, ये इसकी रेंज है। लेकिन अब बाद में इसका हमें अंडर रूट लेना है, तो अंडर रूट लेना है तो ये कैसा लेना पड़ेगा हमें? निगेटिव जीरो होगा, से माइनस वन
इसके अंदर की क्वांटिटी ये निगेटिव हो सकती है क्या अंडर रूट के अंदर की? नहीं नहीं। तो अब इसका हम अंडर रूट लेंगे। अब मेरे ख्याल से तुम समझ जाओगे कि मैंने ये जो लिखा है ये कैसे लिखा और क्यों लिखा है। अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव हो नहीं सकती है, तो ये कौन सी वैल्यू लेके अंडर रूट के अंदर में जाएगा? जीरो टू इन्फिनिटी, और उसका अंडर रूट क्या आ जाएगा? जीरो टू इन्फिनिटी। क्लियर है इसमें किसी को कोई डाउट? डाउट है किसी को? वरना देख लो दिस शुड बी पॉजिटिव। तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल। अब इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो रेसिप्रोकल लेने पे क्या हो जाता है? दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी साइन चेंज, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आगे कहां तक था? इन्फिनिटी तक था, तो वन बाय इन्फिनिटी। अब ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये बताओ क्या ये जीरो वैल्यू ले सकता है क्या? नहीं नहीं। तो यहाँ पे जो जीरो पे क्लोज था यहाँ पे वो हटा देंगे हम, क्योंकि डिनोमिनेटर में जा रहा है तो वन बाय जीरो। तो वन बाय इन्फिनिटी कितना होता है? जीरो, जीरो। और वन बाय जीरो इन्फिनिटी, तो वाई बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा? जीरो टू इन्फिनिटी। क्लियर है? स्टेप्स क्लियर है क्या बताओ? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ई की पावर में अगर तुम्हें इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना था तो फिर उसके लिए तरीका है डिफरेंशिएशन, लेकिन वो बहुत गंदा हो जाता है डिफरेंशिएशन यहाँ पे, इसकी वजह से यही सही है। स्टेप वाइज सारी चीजें मिलती चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान ये अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या क्या करना पड़ा यहाँ पे, फिर रेसिप्रोकल लेना पड़ा, तो रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती, लेकिन उसके लिए ध्यान रखना दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए या दोनों तरफ निगेटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, फिर रेसिप्रोकल वहां पे हम डायरेक्ट नहीं ले लेंगे, वहां पे हमें फिर उसको जीरो पे ब्रेक करना पड़ेगा। ये ऐसे क्वेश्चन हमने वहां पे ट्रिग्नोमेट्री में किए हुए, देख लेना, ब्रेक किया था हमने, मिल जाएगा तुम्हें ऐसा ही एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, हमने रेसिप्रोकल वाला किया था, डिनोमिनेटर में लिखे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमें इसकी रेंज चाहिए, तो इसमें भी सेम वही, पहले इसकी हम रेंज निकालेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या आ रहा था? ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन बाय फोर। तो अब e की पावर का हम ग्राफ देखेंगे, तो लेकिन e की पावर में जो क्वांटिटी है वो क्या है? माइनस वन बाय फोर से बड़ी है, तो ये वाला ग्राफ आएगा उसका, तो रेंज क्या आएगी बताओ? e की पावर माइनस वन बाय फोर टू इन्फिनिटी, माइनस वन बाय फोर टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है? और जो सिक्स्थ है, फिफ्थ है सॉरी, ये फोर्थ है, ये फोर्थ है, एंड फिफ्थ में अब क्या है? e की पावर x स्क्वायर माइनस x की पहले हमें रेंज निकालनी पड़ेगी, तो स्टेप्स देख लो उसके लिए। x स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन बाय, अब इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे,
क्योंकि करना है वैसे, वहां पे वन माइनस है ये, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब इसमें हम वन ऐड करेंगे, तो वन ऐड करेंगे, इधर ये कितना था, इन्फिनिटी था, तो इधर ये माइनस इन्फिनिटी आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, वन ऐड करेंगे तो ये अगेन माइनस इन्फिनिटी रहेगा, और ये इधर कितना आ जाएगा, वन ऐड करने पे 3/5/4। लेकिन अब इसको हमें अंडर रूट के अंदर में भेजना है, तो ये निगेटिव वैल्यू ले सकता है क्या? नो नहीं, तो इसको अंडर रूट के अंदर में भेजा तो निगेटिव वाला पार्ट हटा के 0 to 5/4 का ही अंडर रूट लिया, तो ये 0 to close मतलब ये 0 close to ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर में कितना, √5/4, तो √5 तो रहेगा, 4 का अंडर रूट 2 ये आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब ये बताओ, यहाँ पे जैसे 0 पे क्लोज था, लेकिन ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो 0 पे क्लोज हम ले सकते हैं क्या? नहीं, तो ये हो जाएगा, तो 1/0 वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस e की पावर x² - x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2/√5 रेसिप्रोकल लिया है, तो रेंज कितनी आ जाएगी यहाँ पे, y बिलोंग्स टू क्लोज 2/√5 टू इनफिनिटी। क्लियर है? यस सर। तो अब ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। हाँ सर, सो पेज पीछे ना, तो स्टेप वाइज बढ़ोगे तो रेंज बहुत आसानी से निकलेंगे। कौन सा वीडियो, कल का? कल का आज हो जाएगा अपलोड, ठीक है? आज का भी आज ही हो जाएगा। अपना रेंज खत्म हो गया है अब, ठीक है? अब तुम रेंज के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कर लेना उसको, ठीक सर? हाँ सर, x प्लस ln x का भी इसी मेथड से करके बताओ ना। इस मेथड से नहीं होता रे उसका, वो दो अलग अलग नेचर के फंक्शन है, इसके इससे नहीं कर सकते, ठीक है? उसमें तो डिफरेंशिएशन ही, ध्यान रखना आप कौन से क्वेश्चन में कौन सा ये लगा। आज एक्स्ट्रा क्लास अब शायद लगी है टाइम टेबल में तो होगी, मेरे से तो जो बात हुई थी वो वेंसडे की हुई थी। एक बार बस 3 बजे ग्रुप देख लेना, बीटी का डाउट, बाइनोमियल कौन सा डाउट था तुम्हारा, एक मिनट सर, वो आपने नोट्स में करवाया था ना, NC0 NCR माइनस NC1 वाला, तुमने भेजा है क्या मेरे को? किसी ने तो भेजा था मेरे को एक डाउट, बोला था क्लास में डिस्कस करूंगा, भेजो तो तुरंत ही। नहीं मैंने नहीं, अभी तो भेजो ना, क्वेश्चन ऐसे थोड़ी समझ में आएगा, एनसीआर और क्या बोल रहे हो तुम, पता नहीं। तो रेंज अपना खत्म हो गया है, वो सिग्नम वाला डाउट है दर्शना, रुको तो सही। अभी सिग्नम तुम मेरे ख्याल से रेजो सर भी देख रहे हो, इधर भी देख रहे हो, थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखो ना तुम भी, कितना मतलब तुम दोनों जगह अगर देखोगे वीडियो मान लो, तो तुम्हें टाइम कितना लग रहा होगा। तुम मेरे ख्याल से फिर पूरे दिन वीडियो ही देख रहे हो, पढ़ोगे कब, सेल्फ स्टडी कब करोगे? थोड़ा सेल्फ स्टडी के ऊपर भी ध्यान दो ना, वो सबसे मेजर पार्ट होता है, ठीक है? जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करें वो सीखना होता है मेरे, कोई दिक्कत नहीं, तुम देख लो, अगर मान लो किसी चीज को क्लियर करना तो देखो, लेकिन
एक बार जो चीज मान लो यहाँ पे समझ में आ, वहां पे देख के क्यों टाइम पास करना है, वो एक तरीके से टाइम पास ही माना जाएगा, तो उसको यूटिलाइज करो सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है, अपने आप की थिंक, अपनी थिंकिंग पावर बढ़ाने के, वो एट द एंड वो मैटर करने वाला है, तुमने कितने क्लासेस अटेंड की, कितनी नहीं की, एक लेक्चर को तुमने 10 बार देखा, 20 बार देखा, वो थोड़ी, तुमने अपने थिंकिंग पावर बढ़ा के क्या नए क्वेश्चंस में उसको अप्लाई करना सीखा, वो मैटर करेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन देख लो जरा इसका।